Assalamu alaikum. Welcome to your class of English. जिस तरह आप जानते हैं कि अब के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो हम सारे ग्रामर के करेक्शन रूल्स कर रहे हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच को थॉरली हमने पढ़ना है. नाउन की करेक्शन रूल्स हो चुके, अब हम प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं. चल के दिखते हैं रूल नंबर 16. रूल नंबर 16 बहुत ही सिंपल सा है. इसमें हम प्रोनाउन के बारे में देखेंगे. प्रोनाउन शुड बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है पहले आप उस पर फोकस करते हैं. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रोनाउन भी उसके अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल होता है. सेम बात इसी रूल में हो रही है कि आपने हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन लगाना है, गलत प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर इज प्लफिंग देयर फील्ड. फार्मर अब सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, तो आगे इसके साथ अगर प्रोनाउन देयर इस्तेमाल किया जाए तो ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग हो जाएगा. करेक्ट सेंटेंस किस तरह होगा? द फार्मर इज प्लफिंग इन हिज फील्ड. यानी फार्मर क्या है सिंगुलर है, तो उसके साथ जो सूटेबल प्रोनाउन है वो हिज होगा, देयर नहीं होगा. तो रूल नंबर 16 क्या है कि प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए. अब चल के देखते हैं रूल नंबर 17. ये थोड़ा सा ट्रिकी है. इसको आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर एक सेंटेंस फर्स्ट अगर आप पॉइंट देखें रूल नंबर 17 का, इसमें मैंने कुछ वर्ड्स की लिस्ट दी है. फॉर एग्जांपल, आइदर, एनी, नाइदर, नन, मैनी, वेरी, सॉरी, एवरी एंड ईच. ये वर्ड्स की लिस्ट आप देख लें, इसे माइंड में रखें. अब आपने करना क्या है कि जब भी आपने कोई सेंटेंस, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो इन वर्ड्स से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने माइंड में रखना होगा कि प्रोनाउन या जो वर्ब इस्तेमाल होगा उस सेंटेंस में वो सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा. फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिस्ट दी, आइदर, एनी, नाइदर, नन, मैनी, एवरी, ईच. जी, मैंने कहा कि अगर इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स के साथ आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो आपने अपने माइंड में रखना है कि उस सेंटेंस में आपने प्रोनाउन और जो वर्ब इस्तेमाल करना होगा वो सिंगुलर करना होगा. इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद द अबव वर्ड्स, देयर विल बी सिंगुलर प्रोनाउन एंड वर्ब. एग्जांपल देखते हैं, ईच ऑफ दीज टू बॉयज. अब ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? ईच से. ईच जो वर्ड है वो मैंने पहले ही पॉइंट में मेंशन कर दिया, ईच ऑफ दीज टू बॉयज. अब ईच से एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आगे आपने उसका वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर रखना है. अगर आप प्लूरल कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा. जैसा कि ये सेंटेंस है, ईच ऑफ दीज टू बॉयज आर डूइंग देयर ड्यूटी. अब यहाँ पे आर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, देयर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर ही हमने रूल पढ़ लिया कि कोई भी सेंटेंस जो ईच से शुरू होगा उसमें वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होगा. अब यहाँ पे प्लूरल लगाया गया है तो ये टोटली गलत है. सेंटेंस ठीक किस तरह होगा? ईच ऑफ दीज बॉयज. ईच से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आगे वर्ब क्या है? इज है, यानी सिंगुलर है, डूइंग हिज ड्यूटी, और प्रोनाउन भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग हिज लगाया है, देयर नहीं लगाया. यानी रूल नंबर 17 में मैंने आपको वर्ड्स की एक लिस्ट दे दी. उन लिस्ट को, उन वर्ड्स को अपने माइंड में रखना है और हमेशा फोकस करना है कि अगर कोई भी सेंटेंस उन वर्ड्स के साथ शुरू हो रहा है तो उस सेंटेंस में आपने वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर करना होगा, प्लूरल नहीं करना होगा. अब चल के देखते हैं रूल नंबर 18. जी, अब देखते हैं रूल नंबर 18. रूल नंबर 18 कुछ इस तरह है कि कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरू में
कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसके शुरू में सच का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद हु, विच, हूज, होम इस किस्म के प्रोनाउंस आ रहे हैं, तो आपने वो प्रोनाउंस यानी हु को हो नहीं लिखना, बल्कि आपने उसको एज में चेंज कर देना है। किस तरह से? He is such a man who is liked by everyone. अब देखिए क्या बात है, मैंने एक सेंटेंस के शुरू में अगर सच है, जिस तरह इस एग्जांपल में नजर आ रहा है, और आगे जाके हु का या होम का, विच, हूज, इनमें से कोई भी प्रोनाउन आना है, तो आप उसको वैसे नहीं लिखेंगे, बल्कि हु को एज में तब्दील कर देंगे। He is such a man who is liked by everyone. ये सेंटेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत है। हु को आप एज में तब्दील करेंगे, He is such a man as is liked by everyone. अब ये सेंटेंस टोटली ठीक होगा। तो करना क्या है, आप जब भी कोई एक ऐसा सेंटेंस जिसके शुरू में सच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद आने वाले प्रोनाउंस को आपने एज में तब्दील करना होगा। अब चल के देखते हैं रूल नंबर 19। जी, अब देखते हैं रूल नंबर 19। इस रूल में भी हमने प्रोनाउंस को देखना है कि अगर कोई सेंटेंस जो सेम का वर्ड जिसमें इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसके शुरू में सेम का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद कोई भी प्रोनाउन आना है, हु, विच, हूज या होम, तो रूल ये है कि आपने उस प्रोनाउन को, फॉर एग्जांपल होम का प्रोनाउन आना है, तो आप उसको एज इट इज नहीं लिख सकते, उससे आपने दैट में चेंज करना होगा, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट कंसीडर होगा। क्या बात की मैंने, इफ same precedes who, which, whose, whom in a sentence, then it will be changed into that. For example, देखते हैं, he is the same man. अब वही बात आ गई कि सेंटेंस के शुरू में सेम का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद होम का प्रोनाउन आ रहा है, he is the same man whom I helped yesterday. लेकिन ये सेंटेंस क्या है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि रूल हम पढ़ चुके कि अगर सेंटेंस के साथ में सेम का वर्ड होगा, तो आगे आने वाले प्रोनाउन को हम दैट में तब्दील करेंगे। कैसे करेंगे, He is the same man that I helped yesterday. ये होगा करेक्ट सेंटेंस। रूल नंबर 19 क्या है, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसके शुरू में सेम का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद हु, विच, हूज या होम का प्रोनाउन आना है, तो उस प्रोनाउन को हम एज इट इज नहीं लिख सकते, उसको हम दैट में तब्दील कर देंगे। He is the same man whom I helped yesterday. ये गलत होगा, क्योंकि होम हम नहीं लिख सकते, होम को हमने दैट में तब्दील करना है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, He is the same man that I helped yesterday. अब रूल नंबर 20। जी, अब देखते हैं रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 में हम सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस को देखेंगे। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस डिफर्स इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। किसी भी सेंटेंस में उसकी यूज को मद्देनजर रखते हुए प्रोनाउंस का सीक्वेंस मुख्तलिफ हो सकता है। अगर हमने कोई एक अच्छा काम, कोई एक नॉर्मल बात के लिए प्रोनाउंस को इस्तेमाल करना है, तो तब सीक्वेंस कुछ इस तरह होगा, सबसे पहले यू, देन ही, देन आई। ये क्या है, सीक्वेंस फॉर अ गुड और नॉर्मल वर्ब। लेकिन अगर किसी नेगेटिव, किसी बुरी बात, बुरे काम का जिक्र हो रहा है, तो तब सीक्वेंस डिफर करेगा, तब आई पहले, ही उसके बाद और यू सबसे आखिर में। सीक्वेंस फॉर अ बैड वर्क एंड सीक्वेंस फॉर अ गुड और नॉर्मल वर्क, इस सीक्वेंस को माइंड में क्लियर कर लें। एग्जाम्पल सीखते हैं, अगर कोई बुरी बात है तो क्या सीक्वेंस है, आई पहले, ही पहले, यू बाद में। तो एग्जाम्पल है, आई, ही एंड यू आर एनिमीज। यानी अब ये एक नेगेटिव इसमें बात आ रही है, तो इसमें सीक्वेंस क्या है, पहले आई, फिर ही और फिर यू। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई अच्छा सेंटेंस है, तो उसमें यू पहले, ही बाद में और आई सबसे आखिर में। यानी यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स।
तो रूल नंबर 20 क्या है, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस डिफर्स इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, यू ही आई, दिस इज अ सीक्वेंस फॉर अ गुड आर नॉर्मल वर्क, आई ही एंड यू, दिस इज अ सीक्वेंस फॉर अ बैड वर्क. Examples हैं, I, he and you are enemies, you, he and I are friends. Hope so, ये 5 rules आपको समझ आ गए. All the best, Allah Hafiz.